दोस्तों, ये स्विच मैंने बीच में रखा है और मेरे सारे डोर बंद है, फिर भी ये लाइट ऑन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो हमारी गाड़ी के केबिन में डोम लाइट्स होती है, अगर वो प्रॉपरली वर्क ना करे तो उसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, इतना तो सभी जानते हैं कि डोम लाइट कैसे काम करती है, इधर ऑफ होता है और इधर ऑन होता है। और जब हम इसको बीच में रखते हैं स्विच को, तो जो हम डोर ओपन करते हैं तब ये वर्क करती है हमारी। दोस्तों, ये स्विच मैंने बीच में रखा है और मेरे सारे डोर बंद है, फिर भी ये लाइट ऑन है, तो मुझे इसको ऑफ ही करके रखना पड़ता है, क्योंकि डोर बंद होने के बाद भी ये ऑन रहती है जब मैं इसको बीच में रखता हूँ। तो यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे डोर स्विच है, तो मैं एक एक करके चारों डोर के स्विच को चेक करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि स्विच में कमी है या हमारी डोम लाइट के मैकेनिज्म में कमी है। तो सबसे पहले हम डोर के स्विच को चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो ये जो डोर का स्विच है, मैं इसको बार बार प्रेस करके चेक करूंगा कि जो हमारी केबिन की लाइट है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। इस वाले स्विच से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लाइट पे। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं और अब इस वाले स्विच को भी ऐसे ही प्रेस करके चेक कर लेता हूं। तो फिलहाल इस वाले स्विच से भी कोई फर्क नहीं पड़ा डोम लाइट पे। और अब उधर चल के तीसरे वाले को चेक कर लेता हूँ। इसका स्विच यहाँ पर है नीचे, और डोम लाइट और स्विच को दोनों को साथ दिखाने के लिए कैमरा एंगल चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। कैमरा एंगल सेट हो गया और अब इसको भी चेक कर लेते हैं, और इस स्विच से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लाइट पे। तो अब चलते हैं चौथे की तरफ और अब ये चौथा स्विच भी चेक कर लेते हैं, और इसको भी मैं ऐसे ही दबाऊँगा और इस स्विच से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी लाइट पे। चारों डोर स्विच चेक हो चुके हैं। तो अब एक लास्ट चीज़ और चेक करनी है, अगर उससे भी डोम लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हमें डोम लाइट को ही चेक करना पड़ेगा खोल के कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं गाड़ी का बूट ओपन करूँगा और बूट डोर का स्विच चेक करूँगा, कहीं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पीछे वाला स्विच है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर साइड पर होता है, और इसको भी प्रेस करके देख लेते हैं। और ये देखो दोस्तों, इसको प्रेस करने से हमारी जो डोम लाइट है वो ऑफ हो रही है, ये देखो। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये स्विच हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस स्विच की जो प्रॉब्लम थी वो पता लग चुकी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर जो हमारा स्विच होता है और जो डोर पे एक रबर टाइप का कुछ लगा होता है, तो वो उस स्विच को प्रेस करता है, उस पर टच होता है जाके। वो जो रबड़ है वो स्विच को टच नहीं कर रही है बल्कि उसके साइड पर जा रही है, तो इसलिए ये स्विच वर्क नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं इस रबड़ को ठीक करूंगा ताकि ये स्विच पे टच होए और स्विच को प्रेस करे और हमारा स्विच वर्क करने लगे। इस रबड़ को मैं इधर साइड पे करने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी देर से, लेकिन ये हो नहीं पा रही है, वापस अपनी जगह पे ही आ जाती है। तो इसका कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा मुझे ताकि ये उस पर टच हो जाए जाके। तो दोस्तों, ये रबड़ तो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाई, तो मैंने इस पर एक देसी जुगाड़ किया है, इस पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेके और फेविक्विक से अच्छे से चिपका दिया है, जो कि बहुत ही मजबूत लग चुका है और ये अब वर्क भी कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे बंद करके। और दोस्तों, अभी हमारी डोम लाइट ऑन है और मैं इस बूट को बंद कर देता हूँ और देखते हैं लाइट वर्क करती है या नहीं। दोस्तों, लाइट सक्सेसफुली बंद हो चुकी है और अब चेक कर लेते हैं चारों डोर के स्विच भी काम करने लगे हैं या नहीं। और अब मैं ये वाला डोर भी खोल के देख लेता हूँ, और ये दोस्तों इस डोर के साथ भी वर्क करने लगी है, जो कि पहले किसी भी डोर के साथ वर्क नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा तरीका डोम लाइट ठीक करने का। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।